हिंद दोस्तों, मैं हूं आफिया परवीन और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की जिला प्रभारी परवीन सिंह कुशवाहा धनेश्वर घाट राजेंद्र आश्रम स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस ली है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच सोशल मीडिया व वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयारी की गई है। हालांकि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य सरकार को अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए था, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आम जनों के जान का कोई फिक्र ही नहीं है। सारी योजनाएं कागजों पर बनती है, जिसके कारण गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जोश खरोश के साथ उतरेगी और अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, पूर्व विधायक नौशादुन नबी उर्फ पप्पू खान के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों के बीच नालंदा जिला सभी लोग देख रहे हैं, कल ही मैसेज आया है कि 6 सितंबर तक फिर से लॉकडाउन है, 6 सितंबर तक रात्रि कर्फ्यू जारी है। कि किस तरह से यहाँ के पदाधिकारियों का इस कर्फ्यू में भी कहीं पदाधिकारी का ट्रांसफर होता है क्या? नोटिफिकेशन कैसे आएगा चुनाव का, इसको भी समझना होगा। कभी भी कर्फ्यू और लॉकडाउन में चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। हम लोगों की ये मांग है कि अभी पहले जनता की सेवा कीजिए, जनता रहेगी तभी सरकार रहेगी और जनता रहेगी तभी वोट देगी। इसलिए किसी न किसी रूप में सरकार को यह सोचना चाहिए कि पहले जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप देखें, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हजारों लोग रास्ते में मर गए, हमारे कर्मिक लोग जो बिहार में आए हैं, उसकी कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। इनके पास डाटा किसका है? तो जो इनके ठेकेदार हैं, उनका डाटा इनके पास है। ठीक बोले हमारे प्रभारी महोदय ने कि पूरे बिहार में एक सिस्टम चल रहा है, एक गोरख धंधा चल रहा है। यहाँ सारा कार्य जो विकास के नाम पर दिख रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है और सारा काम साउथ की एजेंसी कर रही है। अभी जांच का विषय है, कांग्रेस पार्टी इस पर जांच की मांग रखती है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है कि सारी साउथ की कंपनियां यहाँ सारा कार्य करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। और साथ ही हमारे बीच हमारे प्रभारी महोदय आए हैं, ये 7 हमारा विधानसभा है। हमारा भरसक कोशिश रहेगा कि 7 विधानसभा अपने मजबूत कैंडिडेट के सामने लाए। और उससे क्या होगा कि अगर महागठबंधन में चुनाव होती है तो महागठबंधन में भी दबाव बनाकर हम अधिक से अधिक से अधिक सीट ले सके, हमारा यही मकसद है। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।